أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج हर किस्म की हमद सना तारीफ व तौसीफ बुजुर्गी व किबरियाई अजमत व शौकत गलबा और दबदबा अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक और सजावार है। दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी जिंदगी इस उम्मत की हिदायत के लिए सर्फ हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद وعلى آل محمد وبارك وسلم। हम अल्लाह ताला की हमद व सना बयान करते हैं, उसी पर हमारा ईमान और यकीन है, इबादत भी उसी की करते हैं, मदद भी उसी से मांगते हैं, उसी पर हमारा तवक्कुल और भरोसा होता है। अपने नफ्स के शर से और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात कलामुल्लाह कुरान मजीद है और सबसे बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सबसे बेहतरीन काम दीन मुकम्मल होने के बाद दीन में नया काम है और दीन में हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की आग में ले जाने वाली है। कुरान मजीद के मुताले से और आईनी मुशाहदे से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अनगिनत और बेशुमार नेमतों से मालामाल किया। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا अल्लाह की इन अनगिनत और बेशुमार नेमतों में एक अहम नेमत लिबास की शक्ल में है। एहसान जताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी आदम قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اے انسانوں
हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया, लिबास को उतारा। उसके दो बुनियादी मकासिद अल्लाह ने बयान किए लिबास के, युवारी सौदातिकुम, लिबास का फायदा और मकसद ये है कि वो सत्र का काम अंजाम देता है, पर्दा पोशी का काम अंजाम देता है। इस लिबास के जरिए हम अपनी शर्मगाहों को ढांकते हैं। वरीशन, और दूसरा मकसूद ये है लिबास से कि इंसान अपनी जीनत इख्तियार करता है, अच्छा लगने के लिए, बेहतर दिखने के लिए लिबास ज़ेब-ए-तन किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लिबास के मुख्तलिफ इस्तेमालात जिक्र किए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, वलिबासुत तक्वा ज़ालिका खैर, तक्वे का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है। यानी इंसान जो लिबास इख्तियार करे, लिबास के मकसद को पूरा करे और लिबास में कोई शरई खिलाफ वर्जी ना हो, या फिर तक्वे के लिबास से मुराद ईमान है, ईमान की नेमत से, ईमान की जीनत से आरास्ता होना और ईमान की नेमत से मालामाल होना। अल्लाह ने कुरान में एक बस्ती की मिसाल बयान की, कहा वरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, ये बस्ती बड़े इत्मीनान के साथ, चैन और सुकून के साथ रहा करती थी। यतीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उसके पास बड़े ही आसानी से बेहतरीन उम्दा ग़िज़ा पहुंच जाया करती थी। लेकिन उस बस्ती ने क्या किया, फ़कफ़रत बिअन्अमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, नाशुक्री की, कुफ़्रान नेमत की गलती उनसे सरज़द हुई। नतीजतन फ़अज़ाक़हुमुल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ बिमा कानू यस्नउन, उनकी नाशुक्री की वजह से, उनकी कारस्तानियों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से अल्लाह ने उन पर भूख और खौफ का लिबास पहना दिया, डाल दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास बताया, हुन्ना लिबासुल लकुम वा अंतुम लिबासुल लहुन, यानी शौहर बीवी की इज्जत होता है और बीवी शौहर की इज्जत होती है, शौहर बीवी की जीनत होता है और बीवी शौहर के लिए जीनत साबित होती है। दोनों एक दूसरे के बे इंतहा करीब रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सत्र और पर्दा पोशी का काम करते हैं। इन चारों कामों में अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी के लिए लिबास और बीवी को शौहर के लिए लिबास बताया। शरीयत का असल कायदा ये है कि हर तरह का लिबास हमारे लिए जायज है। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीअ, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, अल्लाह ने सारी चीजें हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन अगर उसे किसी वजह से अल्लाह ने मना किया हो, बज़ात खुद वो फी नफ़्सी ही मना करदा हो या किसी और वजह से मना करदा हो, तो ऐसी सूरत में उस लिबास से बचना चाहिए, वरना जब तक शरीयत की मुमानअत ना हो लिबास के इंतखाब में एहतियात बरतने की जरूरत नहीं। उसी सूरत में एहतियात बरतनी चाहिए जब वहां पर कोई शरई खिलाफ मर्जी आती हो। लिबास के सिलसिले में मियाना रवि इख्तियार करना, दरमियानी चाल चलना, इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करना इंतहाई जरूरी है। मुस्नद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हसन दर्जे की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलु खाओ, वश्रबु पियो, वतसद्दकु सदकातुल खैरात करो, ज़कात अदा करो, वल्बसु और लिबास पहनो। चार अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, खाओ पियो सदकात और खैरात करो लिबास पहनो, लेकिन खाने पीने में, लिबास के इंतखाब में
فی غیر مخیلۃ ولا سرف, گھمنڈ کے شکار نہیں ہونا چاہیے, اسراف نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اثر اللہ بندے پر دیکھنا چاہتا ہے, لہذا بندہ خوشحال رہنے کے باوجود مفلسی کا لباس اپنے جسم پر پہن کر نہ پھرے, اور نہ ہی زیادہ گھمنڈ کا شکار ہوتے ہوئے اسراف والا لباس اپنے زیب تن کرے. میانہ روی بہترین بات ہے, افراط و تفریط سے بچنا چاہیے, درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. لباس اختیار کرنے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عاجزی انکسار اختیار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر منع فرمایا, لا ترکبوا الخز والنما, نہا عن جلود السبع, جو چیزیں جن چیزوں کا استعمال انسان کو گھمنڈ کی طرف لے جاتا ہے ان چیزوں سے منع کیا, درندوں کی جلد اور ان کے چمڑے استعمال کرنے سے منع کیا, ریشمی لباس استعمال کرنے سے منع کیا. صحیح بخاری میں ابو بردہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا مشاہدہ کرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جب بتایا تو وہ لباس کس شکل میں تھا, کساءً وإزارًا, ایک کمبل تھی, چادر تھی, اور دوسرا تہبن تھا. اور فرمایا ام المؤمنین نے, قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب قبض ہوئی وقت کے نبی رہتے ہوئے, بیت المال آپ کے پاس رہتے ہوئے, لیکن جب روح قبض ہوئی تو یہ عالم ہے سادگی کا, لباس پوشاک وضع قطع ان ساری چیزوں میں, ایک کمبل میں روح قبض ہو رہی ہے, ایک تہبند میں روح قبض ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک اللباس تواضعا للہ, جو کوئی کسی لباس کو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے, وہ یقدر علیہ, اللہ نے حیثیت والا بنایا, اس کے پاس سکت ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, وہ چاہے تو خرید سکتا ہے, لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہے تواضعا للہ, اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے. لباس کا معاملہ نوجوان طبقے کے لیے, لڑکے اور لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں عمدہ لباس پہننا ہے, اور اس کے لیے بہت سارے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بلکہ ہمارے پاس کبھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان لباس کے انتخاب میں تکرار ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی, خلا واقع ہو گیا. عجیب فتنہ ہے لباس کا فتنہ, لوگ لباس پہنتے ہیں اس لیے اپنی کمیونٹی میں, معاشرے میں نمایاں نظر آئے, یا جس مناسبت میں انہیں شرکت کرنی ہو, جو دعوت میں انہیں شرکت کرنی ہو, سب کی نظریں ان پر جمی رہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ گنجائش نہیں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں, حدیث ان افراد کے بارے میں ہے جن کے پاس گنجائش ہو اور وہ اللہ کی خاطر لباس کو, عمدہ اور بہترین قیمتی لباس کو اللہ کی خاطر ترک کر رہے ہیں, دعاهم الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق, اللہ تعالی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے انہیں بلائے گا. یہاں 1,510,000 افراد کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے بہترین لباس کی کوشش کی جاتی ہے, قیامت کے دن اللہ سادگی پسند افراد کو لباس کے معاملے میں ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا, حتی یخیره, اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے حلوں میں, ایمان کے لباس میں, یعنی اہل جنت کو ایمان کی وجہ سے جو لباس دیا جائے گا
एजाज के तौर पर, इनाम के तौर पर अल्लाह उन्हें इख्तियार देगा, जो लिबास चाहे पहन ले। और जन्नत की बशारत, ज़िमनन यहाँ पर जन्नत की बशारत है उन अफराद के लिए, और जन्नत की नेमतों की बशारत है उन अफराद के लिए जो लिबास के मामले में सादगी पसंद रहते हैं, हकीकत पसंद रहते हैं। अगर कोई लिबास के मामले में गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाए तो उनका मामला बिल्कुल जुदागाना है। सख्त वईदें अहादीस में बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी, कदीम जमाने में एक आदमी चल रहा था, एक हुल्ला पहनकर, लिबास पहनकर चल रहा था, घमंड का शिकार था, तो उजिबुहु नफ्सुहु, खुद पसंदी उसके अंदर आ गई, खुद नुमाई उसके अंदर आ गई, मुनफरिद लिबास पहनकर वो चल रहा था, मुहज्जिरुन जुम्मतहु, अपने बाल सवार रहा था, यानी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मायल कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में धसा दिया। फहुवा यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक वो जमीन में धसता चला जाएगा। दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को कुछ किस्म के लिबासों से मना किया। मर्द आदमी के लिए रेशमी लिबास का पहनना मना है। अगर कोई मर्द आदमी खारिश का मरीज हो, खारिश ज़दा हो, या मैदान जंग में कोई जंगी हिकमत के तहत रेशमी लिबास पहन रहा हो, तो उसका मामला अलाहिदा है, उसके लिए गुंजाइश, रुख्सत और रियायत हो सकती है। लेकिन कोई मर्द आदमी शरई उज़्र के बगैर रेशमी लिबास दुनिया में पहनता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत में वो रेशमी लिबास से महरूम रहेगा। अगर कोई मर्द हो या औरत दुनिया में शोहरत वाला लिबास अपने लिए मुंतखब करती है या करता है, यानी ऐसा लिबास जिसकी वजह से उसकी शख्सियत मशहूर हो जाए, उसकी शख्सियत सबके दरमियान मुमताज हो जाए, ऐसा लिबास अगर कोई शोहरत वाला लिबास इंतखाब, लिबास का इंतखाब करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह उस जैसा लिबास उसे पहनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सजा के तौर पर ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ, उस शोहरत वाले लिबास में उसके लिए जहन्नम की आग लगाई जाएगी, सुलगाई जाएगी। जिन लिबासों पर तस्वीरें रहती हैं जानदारों की, उन लिबासों से बचना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरतें, बच्चे हो या बड़े, तस्वीर वाले कपड़ों से एहतियात बरतें। और इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अचानक एक खातून अस्मा बिन्त अबी बकर आ गईं और उनके जिस्म पर अलैहा सियाबुल रिका, बिल्कुल ऐसे कपड़े थे जिससे जिस्म झलक रहा था, बारीक कपड़े थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के लिबास से भी मना किया और कहा कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ये लिबास मुनासिब नहीं, सिवाय महरम के सामने हाथ और चेहरा खुले रखने की इजाजत है, महरम रिश्तों के सामने भी इस तरह का लिबास पहनने की इजाजत नहीं। जो औरतें या जो लड़कियां पैंट का इस्तेमाल करती है, खास तौर पर जीन्स में पैंट का और स्किन टाइट पैंट का इस्तेमाल करती है, अहले इल्म ने हुर्मत के फतवे बयान किए, क्योंकि इसमें मुशाबहत भी पाई जाती है, मर्दानी मुशाबहत भी पाई जाती है, और उसके साथ साथ जीनत को जाहिर करना भी है। इन तमाम वजूहात की बिना पर अहले इल्म ने मना किया। औरतों के लिए जीन्स पहनना, यानी जीन्स की शक्ल में स्किन टाइट पैंट वगैरह और इस जैसे लिबास जो उनके जिस्म को जाहिर करते हो, नुमाया करते हो। लिबास के आदाब में अहले इल्म ने यह बात भी बताई है कि लड़कियां आमतौर पर या औरतें ऊंची हिल की सैंडल पहना करती हैं। इससे भी अहले इल्म ने मना किया और बताया कि ये काम हुरमत के दर्जे में है।
क्यों हुरमत के दर्जे में है ये काम, क्यों हराम है, उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत पर असर पड़ता है। औरतों के जो निस्वानी अमराज है, अंदरूनी जो शिकायतें रहती है, वो आम तौर पे इन जैसे गलत इस्तेमालात की वजह से होती है, और ऐसी किस्म की जूतियों का इस्तेमाल करना उनके लिए हलाकत में डालने का सबब है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों से मना किया। और अपनी जीनत को उभारने की ये कोशिश करते हैं गैर महरम और अजनबी लोगों के सामने, इस नियत से भी ये काम मना करता होगा। और साथ साथ लोगों को धोखा दिया जाता है, जो पस्त कद रहते हैं वो अपने आप को कद आवर बताना चाहते हैं। इन तमाम वजूहात के पेशे नजर, सेहत की वजह के पेशे नजर, उनके लिए हलाकत का सामान होने के पेशे नजर, और अपनी जीनत को अजनबियों के सामने जाहिर करने के पेशे नजर, और उसी तरह से धोखा देने की वजह से, इन तमाम वजूहात के पेशे नजर अहले इल्म ने कहा कि औरतों के लिए इस तरह का लिबास और इस तरह की जूती मना है, हराम है। सियाहत के लिए जब जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, और तफरीही मकामात पर जब तैरने का लिबास पहना जाता है, चाहे मर्द अफराद के लिए हो या औरतों के लिए हो, इसमें भी सत्र का लिहाज नहीं किया जाता, तो जिससे भी इंसान बेसत्र होता हो या उसकी शर्मगाहें नजर आती हो या समझ में आती हो, नजर नहीं आती लेकिन महसूस की जाती हो, अंदाजा लग जाता हो, ये तमाम काम लिबास को नाजिल करने के मकासद से टकराने वाले हैं। दीन इस्लाम इन तमाम कामों से मना करता है। औरत के लिए जरूरी है कि उसका लिबास उसके मुकम्मल जिस्म को ढांकने वाला हो, उसका लिबास कुशादा हो, चुस्त और तंग ना हो, जिस्म नजर आने वाला ना हो और ना ही जिस्म समझ में आने वाला हो। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि औरत का लिबास खुशबू के बगैर हो। अगर कोई औरत जिस्म पर खुशबू का इस्तेमाल करती है या फिर लिबास पर खुशबू का इस्तेमाल करती है, घर के बाहर निकलकर गैरों पर से उसका गुजर होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जिना की शक्लों में एक शक्ल शुमार किया। औरतों के लिबास में ये बात भी जरूरी है, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि उनका लिबास फी नफसी ही जीनत ना हो, यानी लोगों को अपनी जानिब मायल करने वाला ना हो, और उनके लिबास में मर्दानी लिबास की मुशाबहत ना पाई जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, और बिलखुसूस अहले इल्म ने तीन बातें बताई। कहा, लहजे में कोई लड़की मर्दानी लहजे में गुफ्तगू कर रही है या कोई लड़का जनानी लहजे में गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू करने का लहजा और चाल चलन का अंदाज, और तीसरी चीज लिबास का इंतखाब। इन तीनों बातों में कोई लड़का लड़की की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है या कोई औरत मर्द आदमी की मुशाबहत इख्तियार कर रही है, तो ये काम लानत ज़दा काम है। और जो अफराद लिबास के सिलसिले में बिलखुसूस ख्वातीन लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए दावतों में, मुनासबतों में, मुख्तलिफ मौकों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम रसीद होने की वईद सुनाई और कहा, कासियातुन आरियातुन, दुनिया में ये लिबास पहनी हुई नजर आती है लेकिन हकीकत में वो नंगी है, यानी तंग लिबास उनका रहता है या फिर बारीक लिबास रहता है जिससे जिस्म नजर या समझ में आने लगता है। वल्लाहु तआला अअलम, वसल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض, تم اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنا کرو, فإنها من خير ثيابكم, کیونکہ سفید کپڑے تمہارے لباسوں میں سب سے بہترین اور عمدہ ہے نبی کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں. مزید فرمایا وَكَفِّهُ فِيهَا مَوْتَاكُمْ, زندہ کے لیے بھی سفید کپڑے انتہائی پسندیدہ افضل ہیں, اور مردوں کے لیے کفن دینا ہو تو ان کے لیے بھی یہی انتخاب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سفید رنگ انتہائی پسندیدہ تھا رنگوں میں اور لباس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین نے فرمایا کہ دھاری دار یمنی چادر بہت پسندیدہ تھی, اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت محبوب اور پسندیدہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے امہات المؤمنین نے بیان فرمائے, خادم رسول انس رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کا تذکرہ کیا, کہا ثوبانی, کبھی سلے ہوئے کپڑے میسر نہیں ہوتے, تہبند کے لیے ایک کپڑا ہوگا, چادر کے لیے ایک کپڑا ہوگا, دو کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قمیص کا تذکرہ ملتا ہے, جو شرٹ سے ملتی جلتی شکل ہے قمیص, اور سروال کا بھی یعنی پائجامے کا بھی ذکر ملتا ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس کے طور پر جبے کا اور حلے کا ذکر ہے. جبہ جبہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں مذہبی لوگ کرتا استعمال کرتے ہیں, اس کی شکل اس کی ملتی جلتی یا قریبی شکل جبے کی ہے, اور حلہ ایسے لباس کو کہتے ہیں یعنی نیچے کا لباس اور اوپر کا لباس دونوں ملے جلے ہو, ایک ہی ساتھ سلے ہوئے ہو, ایسے لباس کو حلہ کہا جاتا ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم سے آئے ہوئے کپڑوں کو استعمال کرتے ہو کسی قدر قدرے چست ہوا کرتے, تنگ ہوا کرتے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں سے بنے ہوئے کپڑوں کو بھی استعمال کیا کرتے تھے. یہ سنت اور سیرت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اور جو رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے تھے ان میں سب سے پسندیدہ تو سفید رنگ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کالے رنگ کا امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا, کبھی لال رنگ کا حلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا, کبھی زرد اور پیلے رنگ کے لباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیے, اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کے لیے ہرے رنگ کو بھی پسند کیا. لباس میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مکمل آستین کے ہوتے, آدھے آستین کے نہیں ہوتے. اگر اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں تو یہ بھی اجر والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوپر کی ان گونڈیوں کو کھلا رکھا کرتے تھے, اور جب لباس پہنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے لباس پہنا کرتے. یہ لباس کے آداب اور لباس کی سنتوں میں داخل ہے. لباس کا جب موضوع چھیڑا ہے تو ایک اہم مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں سے متعلق ہے, انتہائی ضروری ہے, ننگے سر نماز پڑھنے کا مسئلہ. حکم کے اعتبار سے ننگے سر اگر کوئی نماز ادا کرے تو نماز ادا ہو جائے گی, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں شرعی حکم کے اعتبار سے. لیکن اہل علم نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے مساجد کے پاس یا اللہ کے پاس آنے کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا, اور کامل زینت اس بات میں ہے کہ سر ڈھکا رہے,
चाहे टोपी से ढका रहे या इमामे से ढका रहे, सर ढका रहे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने तंबीह की एक आदमी को, वो नंगे सर था, और कहा इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने कि अगर दुनिया में किसी मुअज्जज़ आदमी के पास तुम जाओ तो क्या ऐसे ही जाओगे? जब तुम अल्लाह के सामने खड़े रहोगे तो तुम नंगे सर नहीं रहना चाहिए। सहाबा ने तंबीह की। शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैह ने खास तौर पर बताया कि नसारा अपनी इबादतगाहों में नंगे सर दाखिल होते हैं, उनकी मुशाबहत से बचना चाहिए, और हम अपनी इबादतगाहों में, अपनी मसाजिद में सर ढांक कर आए। खास तौर पर हम अपने मुआशरे में एक दाई का किरदार अदा करते हैं, और हमारा मुआशरा कम इल्म और बे इल्म मुआशरा है। अहकाम के इतबार से नमाज तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन जिन पर हमें मेहनत करनी है, जिनको अकीदा समझाना है, जिनको तौहीद और सुन्नत का सबक देना है, अगर आप नंगे सर होकर उन्हें अहम बात बताएंगे तो वो बदगुमान हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुआशरे की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा करते, जैसा कि सीरत और सुन्नत से हमें बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। इमामत भी नंगे सर आप कर सकते हैं शरई अहकाम के एतबार से, सही इब्ने हिब्बान की बिल्कुल मुस्तनद रिवायत है, लेकिन हमें यह देखना है कि अफजल अमल क्या है, हमें यह देखना है कि कामिल सुन्नत क्या है, हमें यह देखना है कि मुआशरे में दावत और तबलीग के काम में कौन सी चीज मददगार साबित होती है, और कौन सा हमारा रवैया दावत और तबलीग के मैदान में रुकावट बनता है। लिबास के मुतालिक अहले इल्म ने टाई का इस्तेमाल करने का भी जिक्र किया। मर्द आदमी के लिए बेहतर है कि वो बचे, लेकिन औरतों के लिए सख्ती के साथ अहले इल्म ने मना किया, मर्दानी मुशाबहत की वजह से और दीगर कुछ रुजूहात की बिना पर। लिबास भी हम पहने तो उसे दीन का एक हिस्सा समझकर पहने। लिबास जब ज़ेब-ए-तन करें तो दुआओं का अहतमाम करें, मुनासिब लिबास का इंतखाब करें, और फिर दुआ पढ़ते हुए लिबास पहने। लोगों के दरमियान एक दुआ मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही उरवती। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, इसके बजाय जो साबित दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी हाज़ा थौबा वा कसानी मिन गैरी हौली मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला साबिका गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। जब नया लिबास पहने तो उसके लिए अलाहिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई, उस दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए। अगर हम अपने किसी भाई को दुआ देना चाहते हैं जिसके जिस्म पर हम पुराना लिबास देखें, तो उस वक्त भी दुआओं का एहतमाम करें। दिल आजारी से बचने के लिए, दिल जोड़ी करने के लिए, अपने अच्छे लिबास के बाद सामने वाले को हसद से बचाने के लिए दुआ दें, इल्बस जदीदन वइश हमीदन व मुशहीदन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दुआ देते कि अल्लाह तुम्हें नया कपड़ा पहनाए, तुम काबिल तारीफ अंदाज से जिंदगी गुजर बसर करो, और जब तुम्हारी मौत वाकई हो तो शहादत के साथ तुम्हारी मौत वाकई हो। एक अहम मसला बताते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो मसला है लिबास से वाबस्ता और नौजवान तबके से वाबस्ता। जब वो स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं या टी शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, रुकू और सजदे में जाते हैं, तो लिबास की तमीज नहीं रहती और सत्र मुकम्मल तौर पर बाकी नहीं रहता। कभी जिस्म नजर आने लगता है, कभी शर्मगाह का कुछ हिस्सा नजर आने लगता है, तो ये इंतहाई संगीन गलती है। जो बच्चे स्किन टाइट जीन्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तहारत लेना ही मुश्किल हो जाता है। जब तहारत सही तौर पर ना हो, पेशाब के कतरों से एहतियात न बरती जाए, तो उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये सबसे पहला नुकसान है, तहारत का लिहाज रखना मुश्किल हो जाता है ऐसे लिबास, इस तरह के लिबास इस्तेमाल करने से। दूसरी बात यह है कि जब पाकिजगी ना हो, तहारत ना हो, तो बगैर तहारत अल्लाह इबादत को कबूल ही नहीं करता।
तीसरी बात यह है कि जब सत्र औरत का ख्याल न रखा जाए, नमाज की अदायगी के दौरान शर्मगाहों को मुकम्मल तौर पर न ढांके, खुल जाए, नजर आने लगे, समझ में आने लगे, ये दोनों काम लिबास के मकसद से टकराने वाले हैं। जिस तरह अल्लाह बगैर तहारत नमाज कबूल नहीं करता है, क़िबला रुख हुए बगैर नमाज कबूल नहीं करता है, उसी तरह मुकम्मल सत्र के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। उनके आमाल ज़ाय हो जाएंगे। अल्लाह ने इबादत को मुकम्मल करने का हुक्म दिया, अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, अल्लाह ने आमाल को ज़ाय करने से मना किया। ला तुबतिलु आमालकुम, और इन जैसे नौजवान बच्चे इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं और अपनी इबादतों को मुतासिर कर लेते हैं। सिर्फ अपनी इबादत को मुतासिर नहीं करते बल्कि पीछे की सफ में रहने वालों की नजरों को भी खराब कर देते हैं। इसका गुनाह भी उन्हें हो सकता है, इसका वबाल भी उन्हें उन पर आ सकता है। वल्लाहु तआला अअलम, वसल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.